बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर साइंस टीचर मिस अरीज। टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। वॉट दे आर, वॉट इज साइंस, वाई वी स्टडी साइंस, साइंस क्या है, क्यों इसे पढ़ रहे हैं, वॉट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, इसकी अहम ब्रांचेस, स्कोप इन साइंस एजुकेशन, क्या स्कोप है साइंस एजुकेशन का, बहुत सारी फील्ड्स के बारे में, वॉट यू हैव टू स्टडी इन दिस क्लास, अ सिंपल ले आउट ओनली, एंड चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू योर बुक। इस लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपको ये बात बता दी जाए कि आपको ये वीडियो किस तरीके से देखनी है। जिस रूम में आप ये वीडियो देख रहे हैं उस रूम में शोर ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक नोटबुक और एक पेंसिल आप अपने साथ लेके बैठे। आप चाहें तो अपनी कॉपी भी ले सकते हैं, स्कूल कॉपी, और उसमें भी नोट कर सकते हैं लेक्चर। और तीसरी बात ये कि जहाँ पे भी आप कन्फ्यूजन हो, उस जगह को पॉज करके, रिवाइंड करके आप वो दोबारा बात सुनेंगे, फिर भी आपके समझ में ना आए तो वो आप नोट कर लीजिए। देन यू विल आस्क, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और किसी और से भी पूछ सकते हैं, जब तक आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाती आपने उसे दोबारा देखना है, ठीक है। आप डायरी के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, ये प्रोसीजर पूछने वाला, ठीक है। लेक्चर नोट करने के लिए नोटबुक का लाजमी होना ज़रूरी है। ओके, फर्दर वी विल मूव टूवर्ड्स द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस। सो बेसिकली साइंस मीन्स टू नो। साइंस का मतलब है जानना, मोस्टली अबाउट नेचर एंड नेचुरल बिहेवियर। जो नेचर का बिहेवियर और नेचुरल थिंग्स हैं उनके बारे में स्टडी साइंस है। इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताते चले, ओरिजिनली केम फ्रॉम द लेटिन वर्ड शियांटिया। ये आया है एक लातिनी जबान के लफ्ज़ शियांटिया से, विच मीन नॉलेज, अ नोइंग, एक्सपर्टनेस और एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ को जानना, उसकी एक्सपर्टनेस और एक्सपीरियंस के हवाले से उसकी स्टडी जो है वो साइंस में शुमार होता है उसका। साइंस में जब हम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का और इसको समझने का एक मेथड होता है, विच इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंस में बग़ैर प्रूफ के कोई बात नहीं की जाती। कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट ज़रूर होता है, वरना वो थ्योरी या लॉ नहीं बनती। तो बेसिकली साइंटिस्ट बनने के लिए भी आपका दिमाग जो है वो ऑब्जर्वेशन करने वाला होना चाहिए। साइंस में वाई का वर्ड बहुत यूज़ होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस, ठीक है। तो इसके साथ साथ दूसरे सवाल का जवाब आपको मिलेगा, वाई वी स्टडी साइंस। तीन पॉइंट्स आपके पास इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर। साइंस तक पढ़ी जाती है, क्यों स्टडी कर रहे हैं हम इसके बारे में, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। तो ये तीन आपके पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया की इन्फॉर्मेशन हमें जानना ज़रूरी है। टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हम उसके आंसर लेते हैं। किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, अगर उस तरीके को फॉलो नहीं करते तो वो काम ख़राब हो जाता है। जैसे कि खाना बनाने की रेसिपी है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते सही से तो ज़ाहिर सी बातें ख़राब हो जाता है। तो साइंस में भी जो रिसर्च होती हैं वो आपको साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रूव होती हैं और उनके रिजल्ट्स भी उसी के थ्रू आते हैं। एंड द थर्ड वन, टू सॉल्व मिस्ट्रीज। जब आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप मिस्ट्रीज भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक नॉर्मल पेशेंट है और दूसरा ऐसा जिसको मॉस्किटो ने बाइट किया है। एक को, एक के ब्लड में कुछ भी नहीं है और दूसरे के ब्लड में ऐसी चीज़ है जिससे उसे मलेरिया हो रहा है। तो ये बेस करता है ऑब्जर्वेशन पे।